मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में उमरिया पुलिस द्वारा सूदखोरों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसमें खासकर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान के तहत थाना क्षेत्रों में बैनर, पोस्टर व सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस सूदखोरों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लोगों को जागरूक कर रही है। तो वहीं उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा के द्वारा जिले के पाली थाना अंतर्गत एक विशेष पहल की गई। यह पहल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सूदखोरों के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी गई कि किस प्रकार लोग सूदखोरों के मकर जाल में फंसते हैं और फिर किस तरह सूदखोरों के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और फिर उन सूदखोरों के विरुद्ध शिकायत भी नहीं कर पाते। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं DGP के द्वारा सूदखोरों के विरुद्ध शिकंजा कसने विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है और इसी तारतम्य में शहडोल जोन ADGP DC सागर के निर्देशन में पाली थाना अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि लोग बिना किसी भय के सूदखोरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे पुलिस उन पर कठोर कार्यवाही कर सके और लोगों को सूदखोरों के चुंगल से छुटकारा दिला सके। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन लोगों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने सूदखोरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई। अभी विगत एक माह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं DGP महोदय के निर्देशानुसार सूदखोरी का अभियान चलाया जा रहा था, सूदखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। उसी तारतम्य में हमारे शहडोल ADGP महोदय ने हमें निर्देशित किया था कि इस अभियान को दो चरणों में संपादित किया जाए, जिसमें पहला चरण इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की थी, जो हम लोगों ने किया है, और दूसरा चरण ये था कि लोगों को इस समस्या में न फंसें इसके लिए जागरूक किया जाए। तो उस जागरूकता अभियान के तहत ही आज हमने पाली क्षेत्रांतर्गत एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को दिलों को डायरेक्ट टच करती है, अटैक करती है, जिससे कि लोगों को बात बड़े आसान तरीके से समझ में आ। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।